हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीफूड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, जो कि ऑल्सो इंडिया के सबसे ज़्यादा लॉन्ग रनिंग शोज में से एक है। तो गाइज, पिछले कुछ महीनों से सीरियल की टीआरपी काफ़ी डाउन जा रही थी, लेकिन अभी रिसेंट के एक दो हफ्तों में शो की टीआरपी ने फिर से इंक्रीज़ लिया है, टीवी वाली टीआरपी में भी और ऑनलाइन व्यूअरशिप में भी इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो शो की ऑडियंस है वो धीरे धीरे वापस आ रही है शो को देखने, या फिर नई ऑडियंस जुड़ रही है शो से। एनीवेज, अब 2023 जो कि नया साल है, इस साल में मेकर्स बहुत सरप्राइजेज प्लान कर रहे हैं तारक मेहता के फैंस के लिए। तो गाइज़, अगर आप इस शो के फ़ैन हैं तो मैं आपको बता दूँ कि नए साल में जो शो की टीम है वो काफ़ी नई चीज़ों पे फोकस करने वाली है। सबसे पहला जो उनकी मेन प्रायोरिटी और अभी के लिए फोकस है वो ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी के जो भी करेक्टर्स हैं जो कि अभी के लिए मिसिंग हैं, यानी कि शो में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको वो वापस लाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए उनकी जो टीम है वो पूरा फोकस इस पर कर रही है। मिसिंग करेक्टर जैसे कि टप्पू है, दया है, या फिर और कोई भी गोकुलधाम सोसाइटी का जो मेम्बर है जो कि आपको देखने को नहीं मिल रहा सीरियल में, उसको वापस लाया जाएगा रिप्लेसमेंट के रूप में, या फिर पुराने एक्टर को वापस लाया जाएगा। वो तो किसी भी टाइप में हो सकती है, लेकिन वो करेक्टर आपको वापस ज़रूर देखने को मिलेगा सीरियल में। फ़िलहाल के लिए कोई भी करेक्टर जो भी मिसिंग है सीरियल से वो शो से गायब नहीं रहेगा। जो एक्टर्स मिसिंग हैं, जो शो को छोड़ गए, उनकी रिप्लेसमेंट की सर्च वगैरह भी ऑन है, और बहुत जल्द ये मेन करेक्टर सारे आपको वापस सीरियल में देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ महीनों में शैलेश लोधा का करेक्टर तारक मेहता रिप्लेस करा गया, उससे पहले नेटू काका नए लाए गए, तो ऐसी रिप्लेसमेंट्स वगैरह जो चल रही हैं, और अब पूरा फोकस है उन पर नया टप्पू लाने के लिए, नई दया लाने के लिए, या फिर दिशा बकानी ही अगर वापस आ पाएँ तो। एनीवेज, ये चीज़ पे काफ़ी फोकस है, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक्स वगैरह लाने चाहते हैं मेकर्स, बिकॉज वो अभी ये नहीं चाहते कि शो की टीआरपी फिर से गिरे। अब वो पूरी तरह से यही कोशिश कर रहे हैं कि अब इनकी टीआरपी 2+ ही रहे। तो नए साल में और भी सरप्राइजेज आपको देखने को मिलने वाले हैं। शो की जो टीम है वो पूरी फोकस कर रही है कि क्वालिटी कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आएँ इस नए साल में, जो कि पिछले कुछ सालों में ऑनेस्टली हमें देखने को नहीं मिल रही है तारक मेहता में। देखते हैं इस साल भी वो डिलीवर कर पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल ये टीम कोशिश तो कर रही है कि 2023 में कुछ नए ट्विस्ट सरप्राइजेज वगैरह आप सब फैंस के लिए लेकर आएँ। देखते हैं आने वाले महीनों वगैरह में क्या सब ये सरप्राइजेज हैं, कैसे सब अनफोल्ड होता है। तो उसके लिए हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी तारक मेहता या सोनी सब के अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।